बच्चों आप सबको स्वागत करते हुए आज हम सातवीं कक्षा के पाठ साथ यानी पद्य रसोई घर इसका अर्थ किचन रूम यानी अड़ुगे मने अंदर रसोई घर के बारे में यानी रसोई घर में रहने वाले वस्तुओं का उपयोग के बारे में। देखो बच्चों, रसोई घर यानी अड़ुगे मने या किचन रूम में रहने वाले कुछ वस्तुओं के बारे में और कुछ वस्तुओं का उपयोग के बारे में इस पद्य भाग में कुछ जानकारी दे सकूंगा। देखो बच्चों, इस पाठ से रसोई में प्रयुक्त कुछ वस्तुओं के और हिंदी शब्दों के प्रयोग से परिचित होते हैं। देखो बच्चों, मैं पहले ही कहा रसोई घर में रहने वाले वस्तुओं के बारे में और वस्तुओं को हिंदी शब्द के बारे में इस पद्य में हम कुछ सीख सकता हूं। देखो बच्चों, आज पद्य पेज नंबर 41। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। देखो बच्चों, रसोई घर की खिड़की यानी अड़ुगेय मनेय खिड़कियन्ना मुन्ना मुन्नी दो बच्चे ने खोल रहे हैं। अंदर यानी रसोई घर में देखा, चकला बेलन चाकू चलनी बोल रहे हैं। देखो बच्चों, ये दोनों बच्चे ने रसोई घर के खिड़की खोलकर अंदर देखा यानी रसोई घर में देखा, उनको क्या दिखाया, चकला बेलन चाकू छलनी उस तरह कुछ वस्तुओं को देखा और बोल रहे हैं, उसका नाम हिंदी में बोल रहे हैं। उसी तरह आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चलन चकला बेलन चाकू चलनी बोल रहे हैं। दूसरा पद्य भाग में यानी दूसरा पंक्तियों में कवि इस प्रकार कहते हैं, मैं चाकू सब्जी फल काटो। बच्चों, चाकू से हम क्या क्या कर सकते हैं, चाकू से हम सब्जियों को काट कर सकते हैं, सब्जियों को और फलों को हम क्या कर सकता हूं, काट सकता हूं हम काटू, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटू। देखो बच्चों, चाकू से हम सब्जियां और फलों को टुकड़ा टुकड़ा करके सभी को बांटू। गाजर मूली प्याज टमाटर, देखो गाजर यानी कैरेट, मूली यानी रेडिश, प्याज यानी ऑनियन, टमाटर यानी टोमेटो। उसी तरह कुछ वस्तुओं को यानी सब्जियों को और फलों को चाकू से काट कर सकते हैं। छीलो काटो रखो सजाकर यानी हिंदी सीधू नोड़। मैं चाकू से क्या कर सकता है। देखो, मैं चाकू से सब्जी फल काटकर टुकड़ा कटकर सबको बांटू, और गाजर मूली प्याज टमाटर
छीली छीलों को काट कर रख सकता है सजाकर। सजाकर यानी बंदी शुरू। उसी तरह तीसरा पंक्तियों में कवि कहते हैं, देखो बच्चों, गोल चांद सी हूं मैं थाली। थाली यानी प्लेट, कन्नड़ ताटो अंत करी। गोल, उसका आकार कैसा होता है बच्चों? गोल, ओके। उस तरह प्लेट होता है यानी थाली होता है। कैसा दिखाती हूं जिस कैसा दिखाती है? चांद सी चंद्रनंते नमगे कानसुत्ते गोलाकार वागी। गोल चांद सी हूं मैं थाली, बच सकती हूं बनकर ताली। मुझे में रोटी सब्जी डाली। देखो बच्चों, उस थाली में हम क्या क्या डालते हैं? रोटी और सब्जियां, और उसी तरह खाने का उपयोग वस्तुओं को उसमें डालती है, और सभी ने झटपट खा ली। इन इसमें रखने वाले वस्तुओं को हम खा सकते हैं। देखो बच्चों, उसी तरह पद्य, आज रसोई घर की खिड़की किसने खोला? मुन्ना मुन्नी ने खोला। और अंदर देखा, चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। खिड़की को ओपन करके खोल करके उन्होंने कुछ वस्तुओं का नाम बताते हैं। उसी समय चाकू, चाकू का उपयोग के बारे में, चाकू सब्जी और फलों का कट करके टुकड़ा टुकड़ा करके हम सभी को बांटना, और गाजर यानी कैरेट, मूली यानी राडिश, प्याज इसका अर्थ ऑनियन, टमाटर यानी टोमेटो, उसी तरह सब्जियों को कट करने के लिए उपयोग होता है चाकू। देखो बच्चों, गोल चांद से हूं मैं थाली। देखो, हम खाने के लिए बैठने के समय आगे एक थाली यानी प्लेट, उस प्लेट में, उस थाली में हम सभी को खाने का वस्तुओं को रखते हैं, बनाते हैं, और मुझ में रोटी सब्जी डालिए और सभी ने झटपट खा ली है। देखो बच्चों, उसी तरह हमारे रसोई घर में रहने वाले वस्तुओं को हिंदी में लिखो। बच्चों, आप भी अपने रसोई घर की वस्तुओं को 10 या 20 वस्तुओं का नाम हिंदी में लिखो। उसी तरह उसका उपयोग के बारे में कुछ लिखने का अभ्यास करो, लिखने के लिए अभ्यास करो। उसी तरह देखो बच्चों, छलनी यानी छीलना, सानी गेर करके, सानी गेर, सब्जी यानी तरकारी, तरकारी वेजिटेबल्स। इसी तरह हमारे रसोई घर में रहने वाले वस्तुओं का नाम हिंदी में लिखने का और सीखने के लिए प्रयत्न करें। बच्चों, इस तरह कहकर हम आज इस पद्य पाठ को संपूर्ण समाप्त करूंगा। धन्यवाद बच्चों।